हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल वर्ल्ड डेस्टिनी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। अगर आप बांग्लादेश में घूमने जाते हैं तो किस किस जगह पे जाएंगे और किस किस जगह पे ठहरेंगे? तो दोस्तों, अगर आप बांग्लादेश में घूमना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो जरूर देखिए। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप बांग्लादेश में जाते हैं तो किस किस जगह पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप रेडी हो जाइए, हम आपको अभी घुमाने ले चल रही हैं बांग्लादेश की। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है एस्टी मार्टिन आइलैंड। तो दोस्तों, ये बांग्लादेश की एक आइलैंड है। अगर आप इस आइलैंड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको बीच में घूमने की शौकीन है, अगर आप तंदी तंदी हवा को महसूस करना चाहते हैं और सागरों की पानी में नहाना चाहते हैं तो दोस्तों, आपको बांग्लादेश के एस्टी मार्टिन आइलैंड में आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आप यहां पे जाएंगे तो दोस्तों, आपके मन थोड़ा खुश हो जाए। अभी हमारे लिस्ट की दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, फहरपुर की सोमपुर महाविहार। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत 18वीं सेंचुरी में हुआ था, गुप्त और पाल वंश के समय में। तो दोस्तों, अगर आप बांग्लादेश में आते हैं तो सोमपुर महाविहार को जरूर देखें दोस्तों। और हमारे लिस्ट की तीसरे नंबर पर आता है लालबाग फोर्ट। इसकी शुरुआत 17वीं सेंचुरी में हुआ था। कहा जाता है दोस्तों, इस फोर्ट को मुगल के अमल में मोहम्मद आयन शाह ने बनाया था। तो दोस्तों, अगर आप बांग्लादेश में जाते हैं तो लालबाग फोर्ट को एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट की चौथे नंबर पर आता है कॉक्स बाजार बीच। तो दोस्तों, अगर आप बांग्लादेश में जाते हैं तो कॉक्स बाजार बीच पे जरूर जाएं। कॉक्स बाजार बीच की मौसम ही कुछ अलग बात है। तो दोस्तों, अगर आप बांग्लादेश में जाते हैं तो इस जगह पर जरूर जाएं। अगर घूमने की बात ही हो रही है तो दोस्तों, थारा मस्जिद को कैसे भूलें। ये दोस्तों बांग्लादेश की सबसे सुंदर मस्जिद में से एक है। तो दोस्तों, इसका रूपरेखा, इसका चित्रांकन बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों, अगर आप बांग्लादेश में जाते हैं तो इस तारा मस्जिद को जरूर देखें। तो दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें।